अंजना जी, मैं यही कह रहा हूं, ये सारे आंकड़े इधर उधर के दे रहे हैं, दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब इनका यह है कि हमारी हमारी गलती नहीं है क्योंकि दूसरी जगह पर भी हो रहा है। ये कोई इसका तर्क हुआ? ये 22 नहीं, दिन बिल्कुल तक वो नहीं। बच्चा मैं भटकता पड़ा आपका अलग जो अलग अस्पतालों के रोहन जी, अंदर जी, रोहन जी, एक योजना। साथ, एक साथ। अब आप मुझे भी बोलने दीजिए ना, जी, अब आपके लिए, आपके समय में चुप बैठा था मैं, प्लीज आपके आपकी आवाज के प्लीज आपके आपके समय में चुप बैठा था, तो कम से कम मुझे भी बोलने दीजिए। अभी 22 दिन तक वो भटकता रहा, आपकी चिरंजीवी बोलिए। चिड़िया पता नहीं कहां पर उड़ गई। आयुष्मान भारत योजना आपने लाने नहीं दी राजस्थान के अंदर, आप उसकी उसकी बात नहीं कर रहे हमने। आप बोलते हैं कि हम तो FIR दर्ज करते रहते हैं ना, FIR आपने दर्ज करी? FIR दर्ज हो जाती तो उसको सरकारी इलाज मिल जाता। ये नॉन इनसेंसिटिविटी है आपकी। आप आंकड़े दे रहे हैं, आप उदाहरण दे रहे हैं दूसरे राज्यों के। मैं तो राजस्थान का ही आज का उदाहरण दे रहा हूं कि आज ही दलित महिला को जला के मारा गया है। आप कहां की बात कर रहे हैं? ये इनसेंसिटिविटी राजस्थान में हो रखी है, लैक ऑफ गवर्नेंस हो रखी है। आप शासन को जिम्मेदारी से चला नहीं रहे यहां पर राजस्थान में। आप बार बार पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए दूसरे राज्यों के अंदर भाग रहे हैं, जिम्मेदारी उठा नहीं रहे। अंदरूनी आपकी कश्मकश चल रही है, रस्साकशी चल रही है। एक आपके आपके लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं जालौर, तो चार चार मंत्री भेजे जा रहे हैं, वो आप कवर अप पूरा कर रहे हैं। आप समझिए, जनता ये पूरी चीज समझती है कि आप क्या कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह होती है कि जनता पे ध्यान नहीं देना, सत्ता पे ध्यान देना, सत्ता बनी रहे। आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं है राजस्थान के अंदर। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, आप राजस्थान की बात तो करिए। आप बार बार इधर उधर दूसरे राज्यों के अंदर कूदने फांदने लग जाते हैं, अरे राजस्थान की बात करिए। एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहे हैं, कोई शासन व्यवस्था नहीं है। क्यों सिर्फ राजस्थान की बात? आप खनन में ले लीजिए, आपकी सरकार विधायक पूरे देश नहीं में लिखा है, आप मंत्री रह चुके हैं, आपके विधायक आपकी नहीं। अरे मेरी बात खत्म होने दीजिए। ठीक है, पूरी हो जाए। रोहन जी बात हो रही थी, मैं पूरी तरह चुप था। मेरी बात होने दीजिए, आप 2 मिनट और रुक जाइए। आप ही के विधायक ने लिखा कि खनन माफिया, खनन का जो सरगना है, आपके विधायक ने लिखा चिट्ठी, आप ही के विधायक, कांग्रेस के विधायक ने लिखा कि जो खनन माफिया का सरगना है वो खनन मंत्री है। भाजपा ने नहीं लिखा, आप ही के लोगों ने लिखा। बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप ही के मंत्री ने विधानसभा में खड़ा होकर बोला है कि बलात्कार सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहे हैं। फिर वो मुंह फेर के बोलते हैं कि माइक को सुनाई नहीं दे, ये तो मर्दों का प्रदेश है। हिम्मत है तो बोलिए कि ये झूठ है, हिम्मत है आप में? क्या बात कर रहे हैं इधर उधर की? ये सारा का सारा काम राजस्थान में हो रहा है, और हो इसलिए रहा है क्योंकि कुर्सी डगमगा रही है, उस कुर्सी को बचा के रखने के लिए। सबको अपने अपने, पुलिस वाला किसको लगाना है लगा लीजिए, आपको वहां पर SDM कौन लगाना है लगा लीजिए, अपना कानून चलाइए, लेकिन कुर्सी बची रहनी चाहिए। और वहां पर दिल्ली के आकाओं को खुश करने के लिए उनके ऊपर एक प्रश्न पूछ रही है एक संस्था, तो सब यहां से दिल्ली वहां पर पहुंच गए जी हजूरी करने। गलत है तो बताइए, टीवी चैनल पे सब देख रहे हैं और जनता सब जानती है। अब कितना भी सच झूठ यहां पर जो भी बोलना चाहे बोले, कोई सा भी आंकड़ा लेकर आ जाइए, ये सत्य है। राजस्थान के अंदर हालत ऐसी हो गई है जो कभी राजस्थान में नहीं थी, ये भी सत्य है। 23 दिन तक जब पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की, तो अशोक गहलोत ने क्या कार्रवाई की है उन पुलिस वालों के खिलाफ? अभी इन्होंने कहा कि राजस्थान में ये हाल नहीं था, ये इमोशनल है, बिल्कुल मैं उनकी संवेदनाओं के साथ में हूं, पर इनके इमोशन राजस्थान पे आके ही क्यों रुक जाते हैं? अभी इन्होंने कहा कि राजस्थान में 2000 पहले ऐसे हाल नहीं थे, मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। 2018 विषय राजस्थान का भैया, विषय राजस्थान का नंबर 2 की चर्चा राजस्थान के ऊपर, राजस्थान जी ध्यान दीजिए प्लीज। राजवर्धन जी अपनी बारी में, सरकार थी 2018 के पहले, उसी की बात कर रहा हूं मैं, बीच में मत बोलिए आप। जैसे आप मेरे से अपेक्षा करते हैं, आप भी बीच में मत बोलिए। 2018 से पहले किसकी सरकार थी राजस्थान में? आपकी सरकार थी एनसीआर, आप नंबर 2 पे थे, आप नंबर 2 पे थे, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान नंबर 2 पे था, आप जाके चेक कर लीजिए। जब भाजपा की सरकार थी, यहाँ पे आके आप संवेदनशील हो रहे हैं, कहाँ आपके मुंह में दही जम जाता है जब पूरे देश में दलित बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, उनको जला दिया जाता है, आप कभी कुछ नहीं बोले। वो मैं गुजरात से हूं, ऊना की घटना हुई, 10-10 दलितों को मारा गया, एक भी भाजपा ही नेता नहीं बोला। मध्य प्रदेश में एक महिला को जिंदा जला दिया गया 15 दिन पहले, मुझे बताइए आपने ट्वीट करके ये संवेदनशीलता की है? मैं पूरे देश में कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में जो घटना
घटना हुई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, पर इसका मतलब भाजपा कोई अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपके ऊपर चीजें आती है तब आपकी संवेदनशीलता मर जाती है। आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा, अरे हमारे हमको आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपने कहा कि हमारे एमएलए ने कहा, अरे उनकी हिम्मत तो है कुछ बोलने की, आप में हिम्मत है क्या? आपकी सरकार के खिलाफ बोलो, अभी आपका पद ले लिया जाएगा। ये और कांग्रेस और भाजपा आप हिम्मत बता रहे हैं, कम से कम ईमानदारी से आप हिम्मत बता रहे हैं तो स्वीकार कर रहे हैं आप संवेदनशीलता पर बैठ कर। आपने बताइए राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार को डिफेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं हिम्मत है मध्य प्रदेश में, आपकी आप बताइए एक चीज बताइए, बिल्कुल नहीं। मर्दों का प्रदेश क्या होता है रोहन जी? रोहन जी मर्दों का प्रदेश क्या होता है? तो आप आतरस पे नहीं करते, आपको क्या हो गया? रोहन जी मर्दों का प्रदेश क्या होता है? मैंने नहीं कहा, ये मर्दों का प्रदेश है। उन्होंने एक सेकंड रोहन जी, मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, इसका क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है। चलिए ठीक है, एक बार जो बीजेपी के एमएलए हैं उनकी बात सुना देते हैं। आपने बोला हिम्मत है हमारे विधायकों में, जोगेश्वर गर्ग नाम है इनका, सुनिए बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं। जोगेश्वर गर्ग को सुनिए। जो गांव से मैंने जानकारी प्राप्त की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से मैंने बात करके जानकारी ली है, उसके अनुसार मारपीट हुई है ये तय है, लेकिन वो मारपीट जाति के कारण या पानी के कारण हुई है इसमें संदेह है और इसलिए जांच का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए। उससे पहले वैमनस्य फैलाना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना उचित नहीं है। जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं कि अभी यह तय नहीं है कि जाति की वजह से और पानी पीने की वजह से लड़ाई हुई है, उससे पहले वैमनस्य यानी दुश्मनी ना फैलाएं। ये तो आप ही के एमएलए कह रहे हैं अब राज्यवर्धन जी। जी अंजना जी, जैसे मैंने कहा कि ये जो डिटेल्ड जानकारी है कि ये मामला कैसे हो, अरे बिल्कुल नहीं, आप प्लीज आप तो हिम्मत दिखाइए, बलात्कार के ऊपर हिम्मत दिखाइए, हट जाइए आप मेरे सामने से। जो ये रिपोर्ट जो एनालिसिस है डिटेल्ड, इसमें पुलिस भी कर रही है, प्रशासन भी कर रही है। रोहन जी मैंने उनसे सवाल पूछा, जवाब। अरे मैंने तो हिम्मत दिखा चुका हूँ, मैं तो रोहन जी जवाब। अरे भैया मैं तो अपनी हिम्मत दिखा चुका हूँ, अलग अलग जगह दिखा चुका हूँ, है ना? तो आप थोड़ा अच्छा आप दिखा दीजिए, राजीव आप साइड में। जी जी, कैसे कैसे लोगों को बुलाते हैं आप जी। ये जो एनालिसिस हो रहा है, डिटेल्ड एनालिसिस हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी के बाद सत्य को आने दीजिए, सत्य को डिटेल रिपोर्ट में आने दीजिए। ये हमारे जो विधायक हैं जिनका क्षेत्र है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, पुलिस की रिपोर्ट आने दीजिए, उसी तरह प्रशासन की रिपोर्ट आने दीजिए। कैसे मामला हुआ, क्या हुआ, वो सब तब आएगा, उसका आज चर्चा करने का कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है, ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है। सरकार मामले को दबाना चाहती है, पैसे वैसे देकर अपने मंत्रियों को बेचकर, वो किस लिए भेज रही है ये भी प्रूव हो गया है। राजस्थान के अंदर हर रोज ये मसले हो रहे हैं, दलित अत्याचार हो रहा है, ये भी प्रूव हो गया है। इनके खुद का विधायक वहां से रिजिग्नेशन दे गया है, ये भाजपा विधायक नहीं है प्रवक्ता साहब, आप ही का विधायक वहां से रिजाइन करा है और आप ही के विधायक ने दोष दिया है आपकी सरकार को, राजस्थान सरकार को। अब बोलिए उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बता दीजिए, कुछ आंकड़ा दे दीजिए, लेकिन आप ही के विधायक कर रहे हैं, आप ही के विधायक विधानसभा में खड़े होकर आरोप लगाते हैं गहलोत सरकार के ऊपर। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हो रहा है, ये राजस्थान में आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने आपकी सरकार को वह जिम्मेदारी दी हुई है जिसको वो पूरा नहीं कर रहे। उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी छोड़कर बार बार दिल्ली भागना, बार बार कहीं गुजरात भागना, ये भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें प्रूव हो गई हैं। जो आने वाली चीजें हैं जिसकी रिपोर्ट होगी, वो इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आ जाएगी अंजना जी।